हेलो गाइस, वेलकम टू रियल का पैक्स। एंड कैसे आप सब लोग। तो गाइस, आज हमारे सामने खड़ी है मारुति प्रॉन्क्स। एंड मेरे हिसाब से यार ये एक न्यूली सेगमेंट कार है, बिकॉज मारुति भले ही इसको एक एसयूवी सेगमेंट की कार बोले, बट ये कहीं ना कहीं आपको थोड़ा क्रॉसओवर वाला फील देगी। एंड आपको वो एसयूवी वाला फील खैर इस कार में तो नहीं मिलेगा। आज हमारे साथ है इसका सिग्मा वेरियंट सीएनजी में। एंड बेस्ट पार्ट इस कार में ये है कि इसमें आपको सीएनजी बेस मॉडल से ही मिलने लग जाती है। एंड लॉजिकली सोचो तो लोग सीएनजी कार ऑप्ट इसलिए करते हैं कि उनको थोड़ा कॉस्ट बच सके। तो अच्छी चीज़ है कि बेस वेरियंट से ही आपको इस कार में सीएनजी देखने को मिलती है। बात करें इस कार की प्राइसिंग की, तो ये वेरियंट आपको कॉस्ट करता है 8.41 लाख एक्स शोरूम। एंड अपने पेट्रोल वेरियंट से ये अराउंड 95,000 रुपीज ज़्यादा है। एंड बात करें इस कार के इंजन स्पेसिफिकेशन की, तो इस कार में आपको मिलता है 1.2 लीटर ड्यूल जेट ड्यूल वीवीटी इंजन। एंड अगर बात करूं इसकी पावर फिगर की, तो ये आपको प्रोड्यूस करके देता है 76.43 bhp की पावर एंड 98.5 nm का टॉर्क। एंड इस कार में कंपनी जो आपको माइलेज क्लेम कर रही है वो कर रही है 28.5 किलोमीटर की। एंड मारुति जानी जाती है अपनी फ्यूल एफिशिएंसी के लिए, तो मैं कह सकता हूँ कि ये कार आपको रियल लाइफ में 22-26 के बीच में आराम से माइलेज दे देगी। अब चलते हैं, देखते हैं इस कार का फ्रंट प्रोफाइल। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि इसका फ्रंट प्रोफाइल देख के आपको किस कार की याद आ रही है। इस कार में आपको हेडलाइट सेटअप हैलोजन में देखने को मिलता है, पायलट लैंप से लेके इंडिकेटर एंड प्रोजेक्टर भी आपको हैलोजन में दिया गया है। बात की जाए कार के फ्रंट फेशिया की, तो क्रोम का यूज़ आप देख सकते हो। ग्रिल काफ़ी बड़ी है जो काफ़ी अच्छी लगती है। ये कार आपको कहीं ना कहीं ग्रैंड विटारा की याद दिलाती है इसके फ्रंट प्रोफाइल से। तो फ्रंट प्रोफाइल कार का काफ़ी अच्छा लगता है। एंड डिज़ाइन वाइज भी यार ये कार काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अब देखते हैं कार का साइड प्रोफाइल कैसा है। कार साइड प्रोफाइल से भी काफ़ी अच्छी लगती है। बात करूँ कार की डायमेंशन की, तो इस कार में आपको 3995 mm की लेंथ मिलती है, 1765 mm की वेट, 1550 mm की हाइट। एंड व्हील बेस की बात करूँ तो 2520 का व्हील बेस आपको इस कार में मिलता है। बात करें कार के टायर प्रोफाइल की, तो आपको 16 इंच के टायर ऑफर किए जाते हैं। बात करूँ इसकी प्रोफाइल की, तो 195/60 R16, तो एक अच्छा टायर साइज ऑफर किया जाता है इस कार में आपको। बात की जाए टर्न इंडिकेटर, तो टर्न इंडिकेटर आपको फेंडर में देखने को मिलेंगे। एंड इसके अलावा ORVM में आपको मैट ब्लैक में ORVM दिया है, बॉडी कलर में नहीं मिलता। सेम डोर हैंडल में भी मैट ब्लैक में आपको डोर हैंडल दिए जाते हैं इसमें। सो ओवरऑल कार का साइड प्रोफाइल कुछ इस तरीके से लगता है। इस कार में आपको 190 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। एंड अच्छी बात है यार, बेस वेरिएंट से यार इन्होंने आपको रूफ रेल दे दी है जो कि कार का डिज़ाइन को और एनहांस कर देती है। तो ये तो बात रही साइड प्रोफाइल की, अब चलते हैं बैक प्रोफाइल में। तो इस कार का रियर प्रोफाइल कुछ इस तरीके से लगता है। एंड एक बात तो मैं बोलूँगा यार, ये कार फ्रंट से जितनी अच्छी लगती है ना, इस कार का रियर प्रोफाइल भी उतना ही अच्छा है। कार रियर प्रोफाइल से भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। इस कार में आपको कनेक्टिंग टेल लाइट देखने को मिलती है। ये इसका बेस वेरियंट है, तो इसमें तो वो डमी दिया गया है, बट इसके अपर वेरियंट में, हायर वेरियंट में आपको प्रॉपर कनेक्टिंग टेल लाइट देखने को मिलती है। अगर बात करूँ इस कार के बूट की, तो इस कार के पेट्रोल वेरियंट में तो आपको 310 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, बट इसके CNG वेरिएंट में क्या अलग है, इसके CNG वेरिएंट में CNG सिलेंडर फिट होने के बाद भी आपके पास काफी स्पेस बच जाता है। तो अगर आप पार्शियल ट्रे ना लगाओ तो इजीली इसमें सामान आप रख सकते हो, बिकॉज CNG सिलेंडर की प्लेसमेंट इन्होंने काफी नीचे की गई है, इसलिए काफी स्पेस बच जाता है इस कार में। इसके अलावा 60-40 स्प्लिटेबल सीट का ऑप्शन भी आपको इस कार में मिलता है, तो स्पेस आप बढ़ा सकते हो, ऑप्शन होता है आपके पास में। तो अब चलते हैं कार के अंदर एंड देखते हैं कार का इंटीरियर कैसा है। तो अगर इस बात करें ड्राइवर साइड डोर की, तो जैसे आप देख सकते हो इसमें आपको ड्यूल शेड में इंटीरियर दिया गया है। ब्राउन एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। कई जगह फैब्रिक का यूज़ किया है, कई जगह हार्ड प्लास्टिक है। ड्राइवर साइड डोर में आपको चारों विंडो के कंट्रोल्स एंड लॉक एंड नॉक का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके अलावा बाहर से कार का इंटीरियर देखने में बहुत अच्छा लग रहा है गाइस। अब चलते हैं कार के अंदर एंड देखते हैं कार का अंदर से इंटीरियर कैसा है। डैशबोर्ड में भी ड्यूल शेड का यूज़ किया गया है, जो पर्सनली मुझे तो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। ब्राउन एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है पर्सनली इसमें। नॉट श्योर ये एग्जैक्टली ब्राउनी कलर है या क्या है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ यार ये कलर कौन सा है। वैसे इस बेस वेरिएंट में आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं मिलता, बट ऑटोमेटिक एसी आपको इसके बेस वेरिएंट से ही देखने को मिल जाता है। इसके नीचे आपको 12 वॉट का सॉकेट देखने को मिलता है और यहाँ पे दो कप होल्डर की जगह है। एंड इसके नीचे इसके गियर के प्लेसमेंट एंड ग्लव बॉक्स, इसमें आपको डिसेंट साइज का ग्लव बॉक्स दिया गया है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। एंड बात करें स्टेयरिंग व्हील की, तो इस कार में आपको फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग मिलता है एंड कोई टिल्ट और टेलीस्कोपिक का ऑप्शन नहीं मिलता। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी आपको डिजिटल में नहीं दिया गया है। इसके अलावा ORVM आपको मैनुअल मिल जाता है इस वेरिएंट में। एंड ड्राइवर साइड आपको कार्ड होल्डर देखने को मिलता है। एंड बात करें को पैसेंजर साइड की, तो को पैसेंजर साइड में कोई वैनिटी नहीं दी गई है। इसके अलावा बात करूँ कार के सीट कम्फर्ट की, तो सीट्स काफ़ी कुशनी है एंड थाई सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है सीट्स में।
तो फ्रंट सीट्स तो काफी कंफर्टेबल लग रही है मुझे इस कार की। वैसे अंदर से इस कार का इंटीरियर और इस कार का फील बलेनो वाला ही आपको मिलता है, बट कार का एक्सटीरियर लुक पूरी तरीके से चेंज है, इसीलिए कार एक नए सेगमेंट की कार लगती है। तो अब चलते हैं कार की रियर सीट पे, चेक करते हैं इसका रियर सीट कम्फर्ट। तो गाइज ये है कार का रियर प्रोफाइल। अब चलते हैं कार के अंदर और देखते हैं अंदर कितना स्पेस है इस कार में। तो यार बात करूँ कार में मिलने वाले लेग रूम की, तो लेग रूम काफ़ी अच्छा है इस कार में, थाई सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है। एंड बात करूँ स्पेस की, तो दो एडल्ट और एक बच्चा इस कार में आराम से बैठ सकते हैं। हम थोड़ा कार में दिया गया, फ्लोर एकदम फ्लैट नहीं है। तीन हेडरेस्ट आपको इस कार में मिल जाते हैं इस वेरियंट से ही। विड्थ इस कार की बलेनो से ज़्यादा है, तो शोल्डर रूम काफ़ी अच्छा मिल जाएगा, मतलब तीन लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं इस कार में। इसके अलावा इस कार में आपको एक रीडिंग लैम्प मिल जाएगा पीछे, जो कि हैलोजन में ही दिया गया है। एंड ये कार एक अच्छा ऑप्शन बन जाती है अगर आप कोई कार, एक न्यूली डिज़ाइन गुड लुकिंग कार ढूंढ रहे हो बजट सेगमेंट में सीएनजी ऑप्शन के साथ, तो आप इस कार की तरफ जा सकते हो गाइस। एंड अगर आपको डिज़ाइन मैटर नहीं करता तो उस केस में आप बलेनो को चूज़ करो, बिकॉज़ वो इससे आपको थोड़ी सस्ती भी मिलेगी। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक टू दिस वीडियो ऑल्सो।